गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने इस चैनल पर कई दिनों से क्लास हो रही है, जिसके पीछे अपने कुछ पारिवारिक कारण, मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम मैंने चला रखा था, कुछ बीमारी हो गई थी, ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से आपकी क्लासेस जो है वो इस साल कंटिन्यू में प्रारंभ नहीं कर सका। लेकिन अब अपने जो कक्षाएं है आज से आपको नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। देखो भैया, आज की अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, कुछ सवाल है, उनका समाधान जो है वो आज की अपने इस क्लास में, आज के अपने इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद अपने कंटिन्यू किस प्रकार की क्लासें रहेगी, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या करवाऊंगा, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर बच्चों के कई तरह के कमेंट आ रहे हैं, बच्चों के कई तरह के कमेंट आ रहे हैं, उन कमेंट्स का सोल्यूशन मैं आपको आज करवा दूं कि किस प्रकार से इस बार अपने इस साल या इस सत्र के लिए क्या प्रोसेस रहेगी। सबसे पहला जो कमेंट आ रहा है वो बच्चों का ये आ रहा है कि सर, राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, इनको क्या आप इस साल का मतलब कौन सा सत्र हो गया, 2023-24 ये सत्र है, ठीक है। तो बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या आप इनको दोबारा पढ़ाओगे क्या। देखो दोबारा पढ़ाने की बात ऐसी है भैया, ये जो तीनों सब्जेक्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मैंने बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ाया है लास्ट ईयर। आपको मतलब आपसे पहले जो स्टूडेंट थे, मतलब लास्ट ईयर में इनको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अब इनको दोबारा पढ़ाऊंगा तो वही बातें मैं आपको दोबारा बताऊंगा, तो उसमें मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से टाइम वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो मैं पढ़ा चुका हूं वही इस बार पढ़ाऊंगा। उससे अच्छा है कि मैं कुछ अगर आपके लिए करूं, कुछ अलग आपके लिए हटकर करूं, ताकि आपको भी फायदा हो और मुझे भी कुछ अदर सीखने को मिले, कुछ आपको बताने को मिले। तो यहाँ पर भैया ये जो तीनों सब्जेक्ट है, ये तीनों सब्जेक्ट में अच्छी तरह से आपको लास्ट ईयर पढ़ा चुका हूँ। हालांकि ज्योग्राफी जो है उसमें दो तीन चैप्टर अपने नहीं पढ़ाए हैं, वो आपको मैं जरूर से करवा दूंगा। तो आप यहां से जो लास्ट ईयर वाला वीडियो है, इन्हीं से आप इन सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हो। फिर भी मान लो अगर आपके किसी वीडियो में, किसी टॉपिक में समस्या आ रही है, तो वह टॉपिक में आपको दोबारा करा दूंगा। उसके लिए आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हो कि सर हमें ये टॉपिक आपके इस वीडियो में समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। क्लियर है? सेकंड बिंदु की चर्चा करते हैं। सेकंड बिंदु आ रहा है कि सर जो अद्विवार्षिक परीक्षा है, जो आने वाले कुछ समय में आपकी प्रारंभ होने वाली है 15 से 20 दिन बाद, उसमें कमेंट ये है कि सर अपना जो पेपर होगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, सिलेबस हमारे कितना आएगा, और तीसरा कमेंट है कि सर अद्विवार्षिक परीक्षा कितने अंक की होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया पेपर पर, कि अपना जो पेपर आएगा अद्विवार्षिक परीक्षा का वो किस प्रकार का आएगा। देखो भैया, अद्विवार्षिक परीक्षा का पेपर जो है वो आपका पैटर्न वही रहेगा जो 2023-24 की बोर्ड परीक्षा का होगा। मतलब जैसा पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है वैसा ही पेपर आपकी अद्विवार्षिक परीक्षा में आएगा। बस फर्क इतना रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में पूरे राजस्थान का एक पेपर होता है, जबकि अद्विवार्षिक परीक्षा जो होगी उसमें सारे राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में अलग अलग पेपर आएंगे। समझ रहे हो? पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के रहेंगे, वही रहेंगे जो बोर्ड परीक्षा का पैटर्न होता है। मतलब एफएसएल वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे, रिक्त स्थान वाले भी आएंगे, अति लघुतरात्मक भी आएंगे, लघुतरात्मक भी आएंगे, निबंधात्मक भी आएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके अद्विवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्लियर है? सेकंड बिंदु है गुरु जी सिलेबस। सिलेबस कितना आएगा? सिलेबस दिया आपकी बोर्ड एग्जाम जो है 12वीं कक्षा या 10वीं कक्षा जो भी मान लो, उसमें जो सिलेबस रहेगा वो आपके पूरा रहेगा 100%। मतलब जितना आपके सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है गुरु जी पेपर कितने अंक का होगा। भैया पेपर जो होगा वो होगा आपके कितने अंक का? 70 अंक का। समझ लो, हालांकि जिन सब्जेक्ट में जैसे प्रैक्टिकल है, जैसे मान लो आपके ड्रॉइंग है, जैसे मान लो आपकी ज्योग्राफी है, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी आपके 70 नंबर का पेपर नहीं होगा, 40 की आपकी थ्योरी होगी, 30 का आपका प्रैक्टिकल होगा, दोनों को मिला के 70 अंक होंगे। लेकिन जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे इतिहास है, आपके राजनीति विज्ञान है, हिंदी साहित्य वगैरह है, इनमें
इनमें आपका जो पेपर होगा वो कितने अंक का होगा? 70 अंक का होगा। क्लियर है? अब सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन कमेंट कि सर 2023 की बोर्ड परीक्षा जो होगी, जो आपके मार्च में स्टार्ट होगी, उसके लिए मोस्ट क्वेश्चन कब से बताओगे? कौन से मोस्ट क्वेश्चन याद करें? देखो भैया, अपने इस चैनल पे मैं आपको हर साल, पिछले 2-3 साल से मान लो, कंटिन्यू आपको हर बार बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध कराता हूं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको सबको पता है, और ये एक किस्मत मान लो या आप लोगों का नसीब मान लो या मेरा लक मान लो, कुछ भी आप मान लो, कि जो क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध कराता हूं उन्हीं में से अपने लगभग लगभग सारा पेपर आता है। पिछले 2-3 साल से अपने चैनल का ये एक प्रकार से रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर इस बार भी आप क्वेश्चन बताओगे क्या? जरूर से बताऊंगा, 100% बताऊंगा आपको, और आगामी 2-4 दिन में अपनी ये श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। अब बात यहाँ पे आ रही कि सर, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो लास्ट ईयर आपने मोस्ट क्वेश्चन बताए थे क्या वो हम पढ़ ले क्या? देखो, पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि देखो, लास्ट ईयर का ब्लू प्रिंट अलग था, ब्लू प्रिंट जो था लास्ट ईयर का अलग था, इस बार का ब्लू प्रिंट जो होगा वो अलग होगा, तो इस बार के लिए आपको क्वेश्चन अलग से बताए जाएंगे। देखो, पिछली बार क्या था, जैसे मान लो किसी चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे, किसी से बड़ा आ रहा था, किसी से छोटा आ रहा था, इस बार अलग होगा, समझ लो। तो अपना जो ब्लू प्रिंट होगा उस ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग आपको मोस्ट क्वेश्चन इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए अलग से बताए जाएंगे, जो अपने जल्दी ही 2-4 दिनों में प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की कि सर हम नोट्स कहां से प्राप्त करें? कई बच्चे हैं जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, मैं खासतौर से प्राइवेट स्टूडेंट के ऊपर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो स्कूलों में नोट्स वगैरह वैसे प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूलों में टीचर भी नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जो घर पे रहकर स्टडी कर रहे हैं, कई बच्चे प्राइवेट स्टूडेंट है, उनके समस्या ये आती है कि सर हम नोट्स कहां से प्राप्त करें? तो देखो भैया, मेरे जितने भी वीडियो है, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे पॉलिटिकल के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, ठीक है, आप उन वीडियो को उठा के देखना, सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक समझाया है, ठीक है। जो टॉपिक मैंने समझाया है उसके नोट्स भी आपको उसी वीडियो में मैंने लास्ट में लिखाए हैं, तो या तो आप वहां से तैयार कर सकते हो, ठीक है। या फिर कई बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी थे मान तो पीडीएफ भेज दो, मान नोट्स भेज दो, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना क्या है भैया, आपको देखो अपना एक तो यूट्यूब चैनल है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों का नाम सेम है, एमके हिस्ट्री क्लासेज। ये नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं पहले हिस्ट्री ही पढ़ाता था, ठीक है, फिर मैंने पॉलिटिकल स्टार्ट कर दी, ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी, तो एमके हिस्ट्री क्लासेज के नाम से अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल बना हुआ है भैया, जिसको आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं भी किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और दूसरा अपने एक टेलीग्राम ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, उसका नाम भी क्या है, यही नाम है एमके हिस्ट्री क्लासेज, मतलब टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल दोनों का नाम अपने क्या है, सेम है। यहां पर आप वीडियो वगैरह देख सकते हो, ठीक है, यहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका मकसद है आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित सूचनाएं देना, यहां पर भी मैं वीडियो आपको उपलब्ध कराता हूं, यहां पर भी आपको नोट्स उपलब्ध कराता हूं। अब मेन बात यह है कि आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, फिर आप मुझे कमेंट कर दो वहां पे कि सर मुझे इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सर मुझे इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, मैं वहां पर आपको जो चैप्टर आपको चाहिए उसकी पीडीएफ, उसके नोट्स वहां पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा, समझ रहे हो। थोड़ा सा ध्यान रखना बस, अपने एमकेएसटी क्लासेस के नाम से कुछ पुराने स्टूडेंट है, उन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ओरिजिनल कौन सा है और फर्जी कौन सा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दोनों का नाम अपने सेम है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां पर मुझे पर्सनली कमेंट कर दे, मैसेज कर दे कि सर मुझे पॉलिटिकल के इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, मैं वहां पर आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये कुछ भैया कमेंट्स थे जो बच्चों के बार बार मुझे आ रहे थे कि सर आप दोबारा पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे। दोबारा पढ़ाने वाले मैं बता चुका हूं भैया, दोबारा आपने इस बार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारा मैंने बेस्ट से बेस्ट आपको लास्ट ईयर करा चुका हूं, वही चीजें अगर बार बार मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे भी वो एक इंटरेस्ट नहीं आएगा जो पहली बार आता है। यहां से आप तैयारी कर सकते हो, अद्वार्षिक परीक्षा का मैंने आपको सारा पैटर्न बता दिया है, किस प्रकार का पेपर होगा, कितने अंक का होगा, सिलेबस क्या रहेगा, मोस्ट क्वेश्चन की श्रृंखला अपने आगामी 2-4 दिन में प्रारंभ कर देंगे, नोट्स कहां से प्राप्त करने हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं,
ठीक है भैया, तो मिलते हैं अब जल्दी ही अपने नए वीडियो में। ओके।